अच्छा बाय द वे कैसा लगा? नाइस शो ऑफ कोर्स रुद्र, मैंने स्टाइल किया है, बुरा हो ही नहीं सकता। इट डेफिनेटली लुक्स अमेजिंग। एक दो चीजें और ऐड कर देती हूँ और अच्छा लगेगा। ओके वेट, मैं अभी लेकर आती हूँ। या सी यू रुद्र। हे परम, माय रॉक स्टार, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? यार ये क्या पहना हुआ तुमने? अरे वो कॉन्सर्ट की ड्रेस फाइनल कर रहा था। ये लुक? हाँ। नहीं यार। क्यों, क्या हुआ? डोंट माइंड, बट ये बहुत फनी लग रहा है यार, ये मत पहनना प्लीज। और किसने स्टाइल किया तुम्हें यार? तुम्हें तुम्हें चेंज करना चाहिए स्टाइलिस्ट, बहुत बेकार काम है यार उसका। मैं हूँ रुद्र की स्टाइलिस्ट। तुम देखो, तुम यहाँ कैसे आए? एंड डोंट यू डेयर जो मेरे काम को खराब बोला, समझे? होते कौन हो तुम मुझे जज करने वाले? हाँ मैं बस, जस्ट कीप साइलेंट, मुंह बंद करो अपना, वरना मुझे और गुस्सा आ जाएगा। नहीं रुद्र, मुझका तुम क्या? वो तो तुम ऐसे ऐसे आदमी को तुमने घर में आने कैसे दिया? हमारे घर में एंट्री क्यों दी इसको? यू डोंट नो, बहुत ही घटिया आदमी है ये। ऐसा मत बोलो, तुम मेरी बात तो सुनो। मैं क्या कह रहा हूं? नहीं जानते, मैं जानती हूं इसे, आई नो हिम वेरी वेल। ऐसे आदमी को ना हमारे घर में एंट्री भी नहीं मिली। तुम कौन हो तो डिसाइड करने वाली मैं किस लायक हूँ? वो सब क्या लगा मेरे बारे में? वही जो सच है। हेलो, और तुम किस टाइप के आदमी हो ना, ये मैं कल ऑलरेडी देख चुकी हूँ। एंड माइंड यू मिस्टर व्हाटएवर, किसी ने पूछा है तुमसे कौन हो तुम जो हमारे काम के बारे में ओपिनियन दे रहे हो? हाँ, होते कौन हो तुम, बताओ मुझे। ये मैं ओपिनियन दे भी सकता हूँ और डिसाइड भी कर सकता हूँ, बिकॉज मैं और रुद्र पार्टनर्स हैं। यस पार्टनर रुद्र? हाँ, मैं कब से यही कहने की तो कोशिश कर रहा हूँ। ये आदमी सच में तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है? हाँ, यस। I don't care. Partner होगा, अपने घर पे होगा। इस आदमी को ना फैशन का FB नहीं पता है। Don't you judge me, alright? Excuse me, madam. Look at you. अपने आप को आईने में देखो। तुम्हारी ड्रेसिंग, it's typical and old fashion, like completely 70s. Old fashion? Latest fashion है just by the way. Oh yeah? Yeah. Yeah, latest fashion है? Oh my God, are you real? I am real. But are you real? What the? ये क्या चक्कर है बॉस? मैं और प्रिशा ऐसे ही झगड़ते थे शुरू में, और फिर बाद में पता चला प्यार की शुरुआत ऐसे भी होती है। कहीं ये इनके प्यार की शुरुआत तो नहीं? मुझे प्रिशा को बताना चाहिए। रुद्र, रुद्र, रुद्र कहाँ है? रुद्र क्या है ये सब? तुम सारांश के रूम में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है जब सारांश यहाँ होता है ना, भले ही मैं उससे ना मिलूं पर मैं उसे उतना मिस नहीं करता यार। तब वो यहाँ नहीं है तो उसकी बहुत ही याद आ रही है। मेरा मन नहीं लगा यहाँ पे। तुम इसलिए उसकी फोटो लेके बैठे हो? तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे साथ है? अजीब हो यार, तुम उसकी माँ हो के उसको मिस नहीं कर रही, और मैं मिस कर रहा हूँ तो तुम्हें हंसी आ रही? मैं तुम्हारे बचपने पे हंस रही हूँ। सारांश को गए हुए अभी 12 घंटे भी नहीं हुए, और वो 2 दिन में तो वापस आ जाएगा, और फिर भी तुम ऐसे हो रहे हो। पता नहीं यार तुम ऐसी क्यों, उसको मिस ही नहीं कर रही माँ के? मुझे नहीं समझ में आ रहा यार तुम्हारा ये सब। मैं इसीलिए ऐसी हूँ क्योंकि मैं एक पत्नी हूँ जो अपने पति के साथ है। अभी हम पेरेंट्स की तरह नहीं, पति पत्नी की तरह टाइम स्पेंड कर सकते। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम ही तो कहते हो ना कि पति पत्नी बनने से पहले पेरेंट्स क्यों बन गए। तो अभी तो हमारा बेटा भी नहीं है, हमारा बेटा बाहर है, हमारे पास मौका है, हम जो चाहे कर सकते। और क्या पता कि वही रात है जब हम सुहाग रात मना सकते। कोई हमें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, ना दरवाजे से आके और ना ही विंडो से आके। Magic kiss. Magic kiss.
क्या बात है वाइफी, तुम तो सच में सुपर वाइफ हो यार, एकदम से मेरा मूड ठीक कर दिया। ठीक क्या? तुमने तो मुझे बहुत हैप्पी कर दिया। कमाल हो तुम, एकदम कमाल। रुद्र क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ अभी भी बताना पड़ेगा। होने दो ना, अननोन नंबर, मुझे नहीं उठाना, छोड़ो। लेकिन सारांश का हो सकता है ना, उठाओ ना। हेलो हेलो रुद्र, सारांश कैसा है तू? जाम एंजॉय कर रहा है कैंप में? कैंप अच्छी। क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? तू ऐसे छींक क्यों रहा है? बहुत ठंडी। अच्छा डोंट वरी, हां तू तू टेंशन मत ले, मैं वहां आ रहा हूं अभी तेरे पास, अभी आ रहा हूं मैं तेरे पास, मम्मा को भी लेके आऊंगा मैं, तू टेंशन मत लेना। ओके बाय। रुद्र क्या हुआ, सारांश ठीक है ना? इसीलिए मैं कह रहा था मत भेजो उसे कैंप में, बीमार हो गया वो। क्या सारांश बीमार है? हाँ बीमार है वो, छींक रहा है, उसको जुकाम हो गया शायद। वेंकटेश्वर वो सुबह तक तो ठीक था, फिर ऐसे बीमार कैसे हो गया? मेडिसिन ली उसने? रुद्र बोलो ना तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ क्या, सुना नहीं? मैं उससे मिलने जा रहा हूँ वहाँ कैंप में। हाँ कैंप में, और तुम्हें भी लेके जाऊंगा। हाँ लेकिन ऐसे ऐसे हाइपर मत हो, पहले सुपरवाइजर को कॉल करके देख लेते हैं, पूछ लेते हैं। नहीं प्रेशा, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, मैंने सुबह तुम्हारी बात मानी ना, अभी तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अरे हो सकता है वो सुपरवाइजर सारांश का ख्याल नहीं रख पाया, तो हम सारांश से मिलने जा रहे हैं अभी, एंड दैट्स फाइनल। चलो चलो जल्दी चलो। अरे यार पता नहीं देखा किया ना फोन, और मैंने रुद्र को बुला भी लिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो आएगा ना तब देख लेना, वो मेरे डैड।